नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 69 में। मैं हूं आपके साथ अंकिता और बढ़ते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। विधानसभा चुनाव के आदर्श आचार संहिता लग चुकी है। जबलपुर जिला निर्वाचन अधिकारी के निर्देश पर थानों में शस्त्र जमा होना शुरू हो गए हैं। जबलपुर जिले में 6,500 से अधिक शस्त्र धारक हैं। शहरी क्षेत्र में शस्त्रों की संख्या 4,000 से अधिक है, तो वहीं ग्रामीण क्षेत्र में 2,600 से अधिक लोगों के पास हथियार है। सबसे ज्यादा 12 बोर की गन है, जबकि सबसे कम भरमार बंदूक लोग अपने पास रखे हुए हैं। इसी तरह से रिवॉल्वर और राइफल के लाइसेंस भी बहुत से लोगों के पास में है। जबलपुर जिले में 6,657 शस्त्र लाइसेंस वाले हैं, इनमें से 60% से ज्यादा शहर में ही है। वहीं 500 से अधिक लाइसेंस के लिए आवेदन अभी भी लंबित है। आचार संहिता लगते ही जिले के सभी थाने में लोग अपने अपने शस्त्र लाइसेंस के साथ जमा करने लगे हैं। अपने अपने शस्त्र को रिपेयरिंग और साफ सफाई करने के बाद थानों में शस्त्रों को जमा करने लोगों की भीड़ लगने लगी है। जबलपुर जिले में सबसे ज्यादा शस्त्र पाटन थाना अंतर्गत रहने वाले लोगों के पास है। थाने में अपनी बंदूक जमा करने पहुंचे शशांक ने बताया कि आदर्श आचार संहिता का पालन करते हुए हम अपना शस्त्र लाइसेंस थाने में जमा करने ताकि चुनाव आयोग का पालन किया जा सके। ओमती थाना प्रभारी वीरेंद्र सिंह पवार ने बताया कि निर्वाचन आयोग के निर्देश मिलते ही थाना अंतर्गत जितने भी लोग जो कि शस्त्र रखते हैं उन सभी को सूचना दी जा रही है। इसके अलावा पुलिस स्टाफ भी घर घर जाकर लोगों से अपने अपने शस्त्र थाने में जमा करने की अपील कर रहे हैं। इसके लिए पुलिस की एक विशेष टीम भी बनाई गई है। बीते 2 दिनों से यह प्रक्रिया शुरू हो गई है। जबलपुर जिले में कुल 6,657 शस्त्र लाइसेंस हैं, जिनमें से 4,024 शहरी क्षेत्र में, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में इनकी संख्या 2,633 है। सबसे ज्यादा लाइसेंस वीएल गन 12 बोर के हैं। जिले में इनकी संख्या 4,096 जो कुल लाइसेंस का करीब 62% है। सबसे कम लाइसेंस वीएल गन भरमार की है, इनकी संख्या 653 है। इसी तरह से रिवॉल्वर के 832 और राइफल के 1076 लाइसेंस है। जिले में लाइसेंस जारी शस्त्रों की संख्या शस्त्र पिस्टल रिवॉल्वर शहर में 716, गांव में 116, जिले में 832, एमएल गन शहर में 40, गांव में 613, जिले में 653, वीएल गन शहर में 2,458, गांव में 1,638, जिले में 4,096, राइफल शहर में 810, गांव में 266, जिले में 1,076, योग शहर में 4,024, गांव में 2,633, जिले में 6,657। जबलपुर से न्यूज 69 के लिए वाजिद खान की रिपोर्ट। सर, आज शस्त्र जमा करने आए हैं? जी भाई साहब, आज हम शस्त्र जमा करने आए हैं, क्योंकि आचार संहिता लगी है, उसमें सारे शस्त्र जो सस्पेंड कर दिए जाते हैं जिला मजिस्ट्रेट के द्वारा। तो हमें सूचना लग गई थी और थाने से भी कॉल आया, तो इसलिए हमने अपने शस्त्र यहाँ पे जमा कर रहे हैं थाने में। आप शस्त्र क्यों रखते हैं, शौकिया रखते हैं या फिर आत्मरक्षा के लिए रखते हैं? खेती बाड़ी है, समय असमय जाना पड़ता है और वहाँ पे कुछ जानवर वगैरह जो खेतियों में नुकसान ना पहुँचा, इसलिए इसको रखा जाता है, और कोई कारण नहीं, आत्मरक्षा के लिए रखा जाता है। आपका शुभ नाम है? शशांक सोना। भैया, आपको बताना चाहेंगे कि चुनाव आयोग के द्वारा विधानसभा चुनाव की घोषणा के साथ ही प्रदेश में आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। इसी परिप्रेक्ष्य में थाना ओमती में जो शस्त्र धारण हैं, जिनके शस्त्र में जमा कराना है, इनके नाम को हमारी सूचीबद्ध हैं, इन्हें हम कॉल कर करके इन्हें शस्त्र जल्दी से जल्दी थाना परिसर या फिर जहां भी वो सुरक्षित समझते हैं, जिन्हें माननीय कलेक्टर महोदय जबलपुर द्वारा स्थान चिन्हित किए गए हैं, वहां पर जमा कराने के लिए लगातार संपर्क किया जा रहा है। इसी संबंध में थाना ओमती में भी लगभग अभी तक 20 के आसपास शस्त्र जमा हो गए हैं और हम ज़्यादा से ज़्यादा शस्त्र जल्दी जमा कराने का प्रयास कर रहे हैं। अभी जमा करने का समय है, जमा करने के उपरांत अगर नहीं होता तो जो भी कानूनी कार्रवाई होगी वो होगी। इस खबर पर आपकी क्या राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तब तक के लिए धन्यवाद।